लाइट ले चुने, एक एग बनाए, थोड़ा रंग छिड़के, लाजवाब कलर है। पैर बनाए, एक नेस्ट, सुंदर फ्लावर्स। ये शानदार है, किसका है? मामी के पास बहुत काम है। यहाँ बैठो, मैं अभी वापस आती हूँ। पिंक एक शांत नहीं बैठ पा रही, वो नेस्ट से बाहर आ गई और कहीं चली गई। शहर खतरों से भरा पड़ा है, उसने डॉग को डरा दिया। ध्यान से, वो टेबल से टकरा गया। हे, ये क्या हो रहा है? देखो, यहाँ एक एग है। ओह, ये फूट गया। क्या इसे रख सकते हैं? कपल ने एक अनोखे बेबी का जिम्मा अपने सर ले लिया है। स्टायरोफोम से एक सर्कल काट ले, एक्रिलिक से पेंट करें, केज के बाहर नीचे नरम कपड़ा बिछा दें, बीड्स को लाइन पर लगाएं, इसे पत्तों और फूलों से सजाएं। खूबसूरत सा बर्ड केज तैयार है। टीचर बच्चों को परियों की कहानी पढ़कर सुना रही है। अपेला बहुत ही फुर्तीली बच्ची है, वो हर जगह उड़ती रहती है। ओह, कितनी फास्ट बेबी है। मेरे पास आओ स्वीटी, एक मिनट के लिए शांत बैठो। तुम कहाँ जा रही हो? ओह हाँ, ये केज तुम्हारे लिए है। अपेला नए घर से बहुत खुश है। झूला, टॉयज, इससे बढ़कर और क्या ही चाहिए। अब वो शांत हो गई। डॉल की कास्टिंग हो रही है। रुको बेबी, तुम्हारे लिए नया रोल है। आंखों के रंग को बदले, अब बालों का मेकओवर, हाईलाइट करें। कौन सा चुने? ब्रश से काम करें। नया लुक, लेगिंग से ले, ब्राइट, बिल्कुल अपेला की तरह। अपेला थोड़ी बड़ी हो गई। चलो किंडरगार्टन चलते हैं। ये बच्चे बहुत ही बिजी हैं, रोज की तरह। बच्चों, कोई आया है? अपेला से मिलो। हाय, मैं अपेला हूँ। वाओ, तुम बहुत कमाल और ब्राइट हो। हम तुम्हें ये जगह दिखाते हैं। ये हमारे टॉयज वाला हट है। प्यारा डॉगी है। चलो सोफा तक रेस करें। तुम्हें पता है आज लंच में क्या है? स्पाइडर्स। तुम्हें डर नहीं लगा? नहीं, स्पाइडर्स क्यूट होते हैं। तुम अजीब हो, वॉर्म ज्यादा बेहतर है। बुद्धू, ये देखो, ये जेली है, ये सभी को पसंद होती है। यम्मी, तुम्हें बेवकूफ बनाना आसान है। बॉक्स को देखें, एक नई डॉल। हेयर कट का वक्त है, मुझे पसंद आया। आंखों का रंग बदलें। अब कपड़े बदलने का वक्त है। कपड़ों के पैटर्न्स का स्केच बनाएं। उन्हें फैब्रिक पर रखें। अब इसे हमें सिलना होगा। ब्राइट हुडी ड्रेस के साथ एक हुड। आउटफिट पर फुटप्रिंट जैसे पेंट करें। वाओ, बहुत बढ़िया लग रहा है। अपेला एक अलग तरह की टीनेजर है। जेनिटर स्कूल हॉलवे की सफाई कर रहा है। जाने का वक्त हो गया है। बच्चे क्लासरूम से जल्दी बाहर आए। ब्रेक का वक्त हो गया है। अब मैं प्रैंक करूंगा। बू, ओह, यहाँ से जाओ। अपेला नई विक्टिम है। बू, प्रैंक बहुत भारी पड़ गया। हटो, आह, माफ करना, ऐसा होगा, मैंने सोचा नहीं था। तुम बहुत सुंदर हो। शुक्रिया, तुम भी सुंदर हो।
कितना अजीब है, क्या ये पहला प्यार है? एक पीस काटे, एक बीड ले, ट्यूल से रैप करें, एक बॉक्स बनाए, उसे ब्लू पेंट करें, थोड़ा सिल्वर, बटन्स को ग्लू से सजाएं, अपने माइक्रोफोन को चलाकर देखते हैं। ओपेला ने काफी सारा खाना ऑर्डर किया है, मेरे दोस्त कहाँ है? हम ये रहे ओपेला, तुम लोग ट्रीट्स भी लाए हो, परफेक्ट। लड़कियाँ बातें करने बैठ गई। हे, चलो कैरियोके गाते हैं। बढ़िया आइडिया है, मैं पहले गाऊंगी। ओह, मुझे गाना आता है। हमें भी। बढ़िया परफॉर्मेंस है, बिल्कुल असली कॉन्सर्ट की तरह। ओपेला की रिदम बहुत बढ़िया है। ब्रावो, ये स्लंबर पार्टी बहुत ही शानदार रही। हाय लालीलू, ओपेला बड़ी हो गई। पैटर्न्स को काट ले, कपड़ों को सिले, इन्हें फ्लफी फेदर से सजाए, बालों को ब्रश करें, मोड़े, मैनिक्योर करते हैं। ओपेला बर्ड बहुत ही शानदार लग रही है। वाओ लालीलू, बहुत बढ़िया काम किया। ओपेला जू में घूम रही है, मुझे तुम्हारे साथ अच्छा लग रहा है। आह, वहाँ कौन है? चिल्लाने की वजह से सारे जानवर भाग रहे हैं। ये मैंने क्या कर दिया? मुझे फेंसेस को ठीक करना होगा। देखो, सारे जानवर वापस आ रहे हैं, पर उनके बच्चे खो गए। झाड़ियों के पीछे कौन है? डरो मत बच्चों, मैं तुम लोगों को घर ले जाती हूँ। ये लो, तुम्हारे बच्चे घर पहुँच गए। परफेक्ट, मैंने अपनी गलती सुधार ली, यही जरूरी था। मास टेम्पलेट को आउटलाइन करें, एक चोंच लगाएं, वॉन्ड पेन, मैस्क्यूरेट के लिए एक अच्छी एक्सेसरी है। कॉस्ट्यूम पार्टी बिल्कुल जोरों शोरों से चल रही है, सभी बहुत मजे कर रहे हैं। लगता है मैं वक्त पर आई हूँ। हाय, तुम कौन हो? बढ़िया लुक है। शुक्रिया। ओपेला, क्या ये तुम हो? मैं तुम्हें बहुत वक्त से ढूंढ रहा था, मुझे लगता है तुम गलत हो। तुम बहुत ही खूबसूरत हो, ओपेला की तरह। मुझे पता था, उन्हें प्यार हो गया। कभी कभार आँखों से ज्यादा अच्छे से दिल पहचान लेता है। पॉलीमर क्ले ले, तीन कलर ले, काट ले, डिटेल बनाए, व्हाइट दांत, इस ग्रीन लंप को गूंदे, स्पाइरल शेल बन गया, एक स्नेल बनाए, व्हाइट पेंट करें, प्यूपल्स लगाए। स्नेल्स लीन हमेशा अच्छे मूड में रहता है। वेटरनरी क्लिनिक में चलते हैं। अगला कौन है? अंदर आओ। टेम्परेचर नॉर्मल है, पूरी तरह हेल्दी है। मेरी डॉग की आंखें देखो प्लीज। समझ गई, ये बैंक्स की वजह से है, आप ठीक है। अगला कौन है? मेरा नन्ना स्नेल्स लीन, चलो देखे। स्नेल ड्रैगन के हाथ पर चढ़ गया। माफ करना, इससे दर्द तो नहीं हुआ ना? इस दांतों को गोल्ड वाले से बदल देते हैं। हॉलीवुड स्माइल। वेट के पास आकर अच्छा किया। गोल्ड सर्कल काट ले, रिबन को खोले, एक फोम स्लीव ले, ये कैंडल स्टैंड काम आएगा। ग्लिटर छिड़के,
मजेदार केक है। एयर क्ले क्रीम को सर्कल में निकालें, प्यारे स्टार्स लगाएं। ये शानदार केक डेकोरेशन के साथ बहुत अच्छा दिखेगा। अपिला एक कैंडी स्टोर में गई। मुझे जल्द से जल्द एक केक चाहिए। ये वाला देखें, या फिर ये वाला। हमें पार्टी के लिए कुछ खास चाहिए। ये अच्छा है। मीठे के शौकीन के लिए ये जन्नत है। देखें, ये वाला आपके लिए परफेक्ट होगा। ओह, मेरा पेट, मैंने क्यों खाया? हनी, क्या हुआ? मैंने ज्यादा खा लिया, मदद करो। चलो अल्ट्रासाउंड करके देखते हैं। मॉनिटर पर कैंडीज दिख रही है, ये देखो। कोई बात नहीं, ख्याल रखना कि एक बारी में ज्यादा स्वादिष्ट ट्रीट्स ना खाओ। बेबी एलओएल को जल्द से जल्द बदलाव की जरूरत है। मुझे पिंक हेयर चाहिए। स्टाइलिस्ट, चलो उसकी मदद करते हैं। मेकअप हटाओ और नई ग्रीन आंखें बनाए। शुक्रिया। और कपड़े कहाँ हैं? ये उसके पैरों में फटे हुए जूते हैं। बालों को बो से सजाया गया है। लड़की के पास नई चीजों के लिए पैसे नहीं है। एलिस छोटे घर में रहती है। जब मॉम सो रही है, एलिस को उनके कपड़ों के साथ खेलना पसंद है। छोटी सी फैशनिस्टा ने पुरानी स्कर्ट से ड्रेस बनाया। ही, हमें यहाँ एक हैट चाहिए। कहाँ है? मिल गई। कूल। ओप्स, मैं फंस गई हूँ। ये आवाज कैसी है एलिस? ओह, तुम्हें चोट लग गई? मैंने देखा कि तुम बिल्कुल भी समय बर्बाद नहीं करती। वाह, यहाँ कितनी सारी डॉल्स हैं। हम कौन सी चुने? डॉल पिंक सिंथेटिक बालों के समुद्र में तैर रही है। हाँ, वो एक नए हेयर स्टाइल के साथ बाहर आई है। उसे एक ब्लू टॉप और लेसी स्कर्ट पहनाए। मिरर कार्डबोर्ड से कैंची के ब्लेड्स बनाए। टूल तैयार है। हमारे पास धागों की रील है। सिलाई की सारी चीजें पुराने कुकी बॉक्स में है। उठने के बाद एलिस को लगा कि उसके पेट में गुड़गुड़ हो रही है। स्नैक खाने का समय है। मैंने कुकी बॉक्स कहीं तो देखा था। क्या? इसमें तो बस सिलाई की चीजें हैं, कुकीज नहीं। पर मैं इससे डॉल के लिए एक ड्रेस बना सकती हूँ। मुझे बस फैब्रिक चुनना होगा। पहले पैटर्न्स बनाए। तैयार है, अच्छा आउटफिट है। ओह, मुझे ये इतनी अच्छी लग रही है कि मैं एक और बनाना चाहती हूँ। ओह, यहाँ क्या हुआ है? मेरी ड्रेस। एलिस, तुम इसके लिए क्या कहोगी? मैंने अपने डॉल के लिए ड्रेस बनाई है। वाह, ये तो अच्छे से फिट हो गई और डिजाइन मजेदार है। तुम्हारे पास टैलेंट तो है बेबी। मैं प्रॉमिस करती हूँ कि जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मैं आपके लिए सबसे अच्छी ड्रेस बनाऊंगी मम्मी। अगर तुम प्रॉमिस करती हो तो मेरे पास कुछ स्नैक्स है और मैं आउटफिट देखती हूँ। तुमने बहुत अच्छा काम किया है। लड़की बड़ी हो गई। हाय, मुझे याद किया? लंबे बालों को ब्रश करो। एक सन ड्रेस बनाए। किनारे थोड़े रफ होंगे। नया आउटफिट पहनाए। एलिस को गार्बेज कैंस में कुछ टूल दिखे। ओह, मैं अपने लिए एक ट्रेन बनाऊंगी। शूज का क्या? एक कॉक से प्लेटफॉर्म सैंडल्स बनाए। बेल्ट्स और रस्सी लगाए। चलो बालों पर काम करते हैं। दो पोनीटेल्स और नया हेयर स्टाइल तैयार है। बैंग्स को सजाने के लिए हार्ट लगाए। ओह, मेरे घुटने पर चोट लगी है। आइसक्रीम, ओप्स, दाग लग गया। कोई बात नहीं, ये चला जाएगा। एलिस पार्क में चल रही थी, अचानक से झाड़ियों से आवाज आई। ओह, एक डॉग, ये कहाँ से आया? इधर आओ, डरो नहीं। ओह, तुम्हें भूख लगी होगी। मैंने तुम्हें कहीं देखा है। बिल्कुल सही, तुम तो खोए हुए डॉग पोस्टर पर हो। मुझे तुम्हारे मालिक को कॉल करना होगा। हेलो, मुझे आपका डॉग पार्क में मिला है। ओह, लूसिया, हमने तुम्हें हर जगह ढूंढा। अब सब ठीक है। ओह, शुक्रिया, अब मैं अमीर हूँ। ओह,
मैंने अपने स्केचेस गिरा दिए। मुझे क्लिपबोर्ड चाहिए ताकि ये बंधे रहें। फटे किनारों वाले कार्डबोर्ड पीस पर पूरी ड्राइंग्स हो रखी है। अब सब कुछ तैयार है। एलिस घर आ गई। मैं अपने पैसे तकिए के नीचे छिपा दूंगी। मुझे ड्रॉ करना है। ओह, न्यूज़पेपर पर की हुई ड्राइंग्स बिल्कुल दिखाई ही नहीं दे रही। हनी, ड्राइंग्स को क्लिपबोर्ड पर लगाओ और तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। वाह, साफ पेपर। मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी स्किल्स बढ़ाती रहो। उसका पूरा रूम ड्राइंग से भरा है। मॉम, आपको मेरी ड्रेस कैसी लगी? ये बहुत सुंदर है और मुझे अच्छे काम के लिए पैसे भी मिले। मेरी प्यारी बेटी, लड़की बड़ी हो गई, हमें पॉनीटेल्स खोलनी होगी। एथलेटिक फैब्रिक से स्कर्ट बनाए। हमारे पास बॉटम और कोरसेट भी है। स्ट्रैप्स और सेमी बीट्स लगाए। कमर पर सैटन बेल्ट और वो लुक को बढ़ा रहे हैं। महंगा कॉलियर गले को सजा रहा है। पर ये सुंदर सा आउटफिट आया कहाँ से? एलिस बहुत बढ़िया कपड़े डिजाइन कर रही है। अब उसका खुद का स्टूडियो है। सपने सच में पूरे होते हैं। मैं बहुत खुश हूँ कि मैं सबसे महंगा फैब्रिक खरीद सकती हूँ। जब आपकी ड्राइंग से असली ड्रेस बनती है तो ये एक अलग ही फीलिंग है। अब सबसे जरूरी ड्रेस बनाने का समय है। काम जोरों पर है। कपड़े के टुकड़े गिर रहे हैं और ये मास्टरपीस तैयार है। मम्मी, आप बिल्कुल सही समय पर आई हैं। आपकी ड्रेस तैयार है। ओह, मैं क्या बोलूं? ये बहुत सुंदर है। शुक्रिया एलिस। स्टायरोफोम पीस से सिलाई मशीन बनाए। उसे व्हाइट पेंट करें। टॉप पार्ट ब्लू है। फिर एक व्हील। पूरी दुनिया के डिजाइनर इसे इस्तेमाल करने के सपने देखते हैं। एलिस अपने स्टूडियो में बहुत अच्छे से काम कर रही है। उसके पास बहुत सारे क्लाइंट्स हैं। हेलो, मैं काफी समय से आपके पास से ड्रेस ऑर्डर करने का सोच रही थी। आप क्या बनवाना चाहती हैं? क्या आपके पास कुछ तैयार है? ये ड्राइंग्स देखे। ओह, ये वाली। मैं आपको अच्छे पैसे दूंगी। शुक्रिया, ये जल्दी तैयार हो जाएगी। मेरे पास कोई अच्छी सिलाई मशीन नहीं है। कितनी जल्दी आ गई। शुक्रिया। ओह, ये बहुत सुंदर है। काम जल्दी होने लगा। ओह, तैयार है। हे भगवान, ये मेरी ड्रेस है। बहुत सुंदर है। आप बहुत टैलेंटेड हैं। शुक्रिया। हमारी तरफ से डिजाइनर पैक फ्री। मैं अपने सारे दोस्तों को आपके बारे में बताऊंगी। एलिस बड़ी और अमीर हो गई है। मुझे कपड़े चाहिए। मैं खुद से कपड़ा चुनना चाहती हूँ। हमारी अमीर लड़की के लिए गोल्ड सीक्वेंस ड्रेस, गोल्ड साटिन ट्यूल की एक लेयर, मरमेड ड्रेस उसकी सुंदर फिगर को और खूबसूरत बना रही है, पिंक डायमंड वाली बो उसके बालों को सजा रही है, शोल्डर्स पर फर शॉल है। तुम बहुत सुंदर लग रही हो। ये फैशन स्टार शो है। मैं आपको एलिस बोवियर से मिलवाना चाहती हूँ, एक लेजेंडरी डिजाइनर। प्लीज जोरदार तालियां। हाय सभी को। एलिस, क्या आप बताएंगी कि आपको क्या इंस्पायर करता है? ये सब तब शुरू हुआ जब मैं छोटी थी। मुझे याद है मैंने अपनी डॉल की ड्रेस बनाने के लिए अपनी मॉम की ड्रेस खराब की थी। ये बहुत ही अच्छा इंटरव्यू था। एलिस की मॉम एक सीक्रेट गेस्ट है। ओह, कितना इमोशनल समय है। ये खास एपिसोड है। स्टायरोफोम को पॉलिश करें। किंडर का टॉय एक फिगुरिन बन जाएगा। एक्रिलिक बेस की एक लेयर लगाएं और फिर गोल्ड की भी। एलिगेंट आउटफिट पहनी डॉल सेरेमनी की मेन अवार्ड बन जाएगी। शो जारी है। हमारी मॉडल्स के लिए जोरदार तालियां। अब यहाँ आपको एलिस बोवियर की बेस्ट क्रिएशंस दिखाएंगी। हर लुक को बहुत तालियां मिली। वो जीनियस है। कितनी क्रिएटिव है। हम आपको फैशन वर्ल्ड का मेन अवार्ड देना चाहेंगे। गोल्ड लालीलू ड्रेस का अवार्ड जाता है एलिस बोवियर को। ओह, मैं अपनी पूरी जिंदगी बस इसी के लिए काम करती रही। मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। प्लास्टिक कैप पर गोल्ड रिबन लगाए। अलग अलग रंग की यार्न बॉल्स बनाए।
आउटफिट को गोल्ड निटिंग नीडल्स को पूरा करें। इस तरह की सुंदर चीजें आपको निटिंग करने के लिए मजबूर कर देंगी। सालों बीत गए, अब एलिस अपनी अच्छी जिंदगी जी रही है। वो फायरप्लेस के पास बैठकर जिंदगी का मजा उठा रही है। हनी, क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे लिए रीड करूं? लड़की सुन रही है, पर उसकी नजरें गोल्ड बास्केट से हट नहीं रही। ग्रैंडमा, इसमें क्या है? मेरी निटिंग किट। क्या आप मेरे लिए भी कुछ ऐसा बना सकती हैं? बिल्कुल हनी, हालांकि एलिस अब बुजुर्ग हो गई है, पर उसे अभी भी क्रिएटिव होना पसंद है। ग्रैंडमा ने अपनी पोती के लिए एक मजेदार टॉय बनाया। ये लो। ओह, ये बहुत क्यूट है। अब से ये मेरा फेवरेट टॉय है। सही डॉल को चुने। गर्ल के हेयर को ब्लैक डाई करें। ओह, उसकी बहुत प्यारी ब्राउन आईज है। कैंडी को बकेट के अंदर डालें। यम्मी। ब्रश से मिलाएं और डाई तैयार है। खूबसूरत आउटफिट। एक बो वाली रिंग अच्छी हेडबैंड बन जाएगी। बेबी एबी को हाय करो। हेलो, क्या हम देख सकते हैं? हेलो। बिल्कुल, चलो अपना बेबी ले लो। ओप्स, ये मुश्किल है। ओह, हमारी गर्ल कहाँ है? मुझे लगता है ये वाली है, सबसे प्यारी और सबसे ज्यादा शोर मचाने वाली। मॉम, डैड, थैंक यू। तुम बड़ी होकर खुश और हेल्दी बनोगी। ओह, कितनी प्यारी शर्ट है। इसमें से कैट का प्रिंट काटे और एक पतली लेयर जोड़े। साइड को सिले। केस को स्टफिंग से भरे। आईज और फेस ड्रॉ करें। चलो बादल उधार मिले। एक प्यारी कैट तैयार है। तुम कैसी हो हनी? क्या सब कुछ ठीक है? मॉम बुक पढ़ने के लिए बैठी है। हाँ बेबी, तुम यहाँ कैसे आई? चलो प्लेपेन के पास वापस चले। तुम नहीं जाना चाहती हो? ठीक है, मेरे पास बैठो। पर एबी को एक जगह बैठना अच्छा नहीं लगता। मॉम के साथ भागने में ज्यादा मजा है। मैं तुम्हें देख सकती हूँ। अगर तुम्हें जमीन पर बैठना अच्छा लगता है तो चलो तुम्हारे लिए एक मुलायम जगह बनाए। चलो इसे मैट की तरह इस्तेमाल करें। ये क्लाउड पिलोज बेबी को पसंद है। एबी अपनी नई जगह के साथ काफी खुश है और मॉम अब फिर से अपनी फेवरेट बुक को पढ़ सकती है। एक छोटी लड़की बॉक्स में स्नैक्स के साथ छिपी हुई है। वो एबी की जैसी दिखती है। चेक फैब्रिक का एक स्ट्रिप काटे और वोइला, तुम्हारे पास खूबसूरत सन ड्रेस है। लुक को एक हेडबैंड के साथ पूरा करें। एक स्टार में से ग्लिटर गिर गए। वाह, हनी, मेहमान आते ही होंगे, तैयार हो जाओ। वो बहुत जल्दी बड़ी हो गई है। हाय देयर एबी, हैप्पी बर्थडे। एबी को अपने गिफ्ट्स मिल गए और अब केक काटने का वक्त है। कैंडल्स को बुझाओ बेबी। ये और अब थोड़ी मस्ती हो जाए। स्विमिंग पूल में स्नैक के साथ कैसा रहेगा? तुम भी आओ। ये सबसे अच्छा बर्थडे है। कार्डबोर्ड ट्रायंगल से बच्चों के लिए एक टेंट बनाएं। चलो कुछ बोर्ड सुधार लें। उनको कपड़े से कवर कर दें। पैचवर्क का तरीका इसे आरामदायक बना देता है। दरवाजे को लूप से सुरक्षित करें। प्यारे टॉयज और स्टिकर्स आपके प्लेहाउस के लिए सबसे अच्छे हैं।
स्वागत है। ओ, मेरे साथ खेलने के लिए कोई नहीं है। हे एबी, तुम क्या कर रही हो? मैं, चलो खेले। तुम मुझे नहीं पकड़ सकती। उप्स, मैं एक रेड पैंडा हूँ। मुझे तुम्हारा मुलायम फर पसंद है। ये असली दोस्तों का होना और खेलने के लिए आरामदायक जगह का होना बहुत अच्छा है। हमारे पास एक फोम पेपर फ्रेम है। एक स्पार्कली फ्रेम को काटे और डिस्प्ले पर लगा दे। गैजेट में बहुत सारे बटन्स हैं। हम बहुत जल्द फर्स्ट राउंड खेलने वाले हैं। एबी ने सोचा है कि वो अपने सारे दोस्तों को घर पर पार्टी के लिए बुलाएगी। हम मजे करने के लिए और इंतजार नहीं कर सकते। बढ़िया, ये सही मूड है। चलो म्यूजिक सुने। ओके। चलो डांस करें। मैं बुक्स पढ़ना पसंद करूंगी। ओह, अब आराम करने का वक्त है। चलो अलग हो जाएं। मरियम बैठी है और अपने फेवरेट म्यूजिक को सुन रही है। देखो, ये आसान है। वाह! मैं खेलने के लिए बैठी, पर पहले उसे पता करना होगा कैसे खेलना है। मैं तुम्हें कुछ ट्रिक्स सिखाऊंगी। जल्दी ही तुम मुझे हरा पाओगी। बहुत अच्छी पार्टी है। वाइट कपड़ा नजर आया। कुछ मैजिक। तीन टी-शर्ट्स तैयार हैं। हर एक पर टर्निंग रेड का लोगो ड्रॉ करें। तैयार हो गया। लड़कियां अपनी मर्च लेकर आई हैं। चलो इन्हें बनाएं। Let's do it together. Okay. एबी सिलाई मशीन पर बैठकर टी-शर्ट बना रही है। मैं उनको पेंट से कवर कर रही है। प्रिया पूरे प्रोसेस का वीडियो बना रही है। ये टिकटॉक पर छा जाएगा। हाँ, हमने कर दिखाया। एक ब्लिस्टर पैक को काटें। एक्स्ट्रा पार्ट को प्लास्टिक रिंग से काटें। पिंक पेंट करें और हॉट ग्लू से भरें। ये बहुत अच्छा है। स्मूदी को एक साफ लेट से कवर करें। मजे करो। स्ट्रॉबेरी। सो गुड। हेलो मैं पार्क में हूँ। क्यूटी मेरे पास आ रही है। हेलो, हाँ, मैं तुम्हें सुन रही हूँ। हे, मेरा कप कहाँ है? चोर, वापस करो, ये मेरा है। रुको। आउच। ओह, खैर, मैं एक और खरीद लूँगी। बेबी बड़ी हो गई और एक खूबसूरत लेडी बन गई। पिंक इस पर अच्छा लगता है। ये एक प्यारी शर्ट है। एक लाइलेक पूडल स्कर्ट के साथ पूरा करें। बढ़िया। हमारे पास जंपसूट से बना एक टॉप है। फिशनेट्स पहनो और साथ में कलरफुल प्लेटफॉर्म बूट्स। खैर, मैं कैसी लग रही हूँ? लड़कियाँ बड़ी हो गई। मिनी पार्टीज बहुत मजेदार होती हैं। तुम्हें क्या हुआ? चलो डांस करें। एक पिलो फाइट। ये लो। बैम। वो आखिरकार थक गए। अब वो एक दूसरे के बाल बनाना चाहते हैं। हमें एक पुरानी पेंसिल केस से फ्रेम बनाने की जरूरत होगी। टॉप को हटाओ और एक इयररिंग लगाएं। ब्लेंडर को ढक्कन से कवर करें। एक वायर लगाएं, दो बटन्स को जोड़ें और लेग्स भी। डिवाइस इस्तेमाल करने के लिए तैयार है। कैफे में स्मूदी पीते हुए एबी अपने प्लेस के बारे में सपने देखना शुरू करती है।
सारा कैफे एक पिंक ब्लेंडर के साथ। हम बनाना स्मूदी बना रहे हैं। कूल ड्रिंक किसे पीनी है? ये तुम्हारी सेहत के लिए बहुत अच्छी है। स्मूदी में बहुत सारे विटामिन्स होते हैं। शुक्रिया, ये बहुत स्वादिष्ट है। हे लड़की, हेलो। आपका चेक। हाँ, शुक्रिया। माफ करना, मेरा ध्यान नहीं रहा। कंटेनर को पिन से खाली करें। हमें एक साफ ढक्कन की जरूरत पड़ेगी। मॉडलिंग क्ले के टुकड़े को रोल करें। एक पतली लेयर को पैंडा फेसेस के कुकी शेप में बदलें और उसके बाद उन्हें ओवन में डालें। कुकीज तैयार हैं। प्यारी ग्रैंडमा एबी ने अपने दोस्तों को घर पर बुलाया है। ओह लेडीज, क्या तुम सोच सकते हो, जोकर की लॉटरी लगी है $100 मिलियन की। कहानियाँ सुनाना बंद करो। हार्ली कुछ लो। नहीं नहीं शुक्रिया, मैं डाइट पर हूँ। ट्रीट के लिए शुक्रिया। बॉन एपिटीट। मैं जाकर पियानो बजाऊंगी। शायद ये वाली, मुझे पता है। हाँ तुम गलत हो। अब चलो शरारत्स खेलें। तुम कौन सा वर्ड सोच रही हो? ये वाला, कोई मजे कर रहा है शायद। एक आर्टिस्ट। ओह ये पांडा है, रेड पांडा। ये ठीक है। हाँ अब मेरी बारी है। Oh,